नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। पीडीएस दुकानों पर जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा चावल, हो रही धांधली। बीपीएल कार्ड व खाद्यान्न पर्चीधारी को नहीं मिल रहा राशन। निर्धारित मात्रा से कम बांट रहे चावल समिति प्रबंधक और सेल्समैन। समिति प्रबंधक सहित सरपंच सचिव की उदासीनता और अधिकारियों के गैर जिम्मेदार रवैये से परेशान है ग्रामीण। गुस्साए लोगों ने राशन की दुकान पर लगाया जमावड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ईशानगर थाना प्रभारी मनीष मिश्रा, दी लोगों को समझाइश। जरूरतमंदों को मिल सके राशन, विभागीय अधिकारियों को फोन पर सूचना दी। अरविंद साठी, ईशानगर। समस्या गल्ला पानी की है सर, बड़ी परेशानी। क्या किसी को गल्ला नहीं मिल रहा? आप लोग नहीं मिल रहा 15 दिन परिवार में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों को राशन पानी मिलता था। प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई है? पंचायत हुई है। क्या उनका आश्वासन कहता है? आज की 3 साल से तो परमिट के लिए पीछे फिर रहे। क्या बोलते? चला रहे, अभी नहीं, अभी बन जाएगा, अब बन जाएगा, नहीं बना। कैसे गुजारा चल रहा है आप लोगों? मजदूरी करते हैं, आज वो भी बंद है। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाले? हम गैरवान की है सर, हमारा नाम बेटी है। क्या समस्या जा रही है? हमारे यहाँ क्या समस्या है कि पैची नहीं बनी। हम जब से यहाँ आए गैरवान में 30 साल से कम नहीं हुआ, कोई पैची नहीं है। क्या आपको गल्ला पानी कुछ नहीं मिलता है? कैसे आपका गुजारा चल रहा है? हम उन्हें मजदूर आदमी है, मजदूरी कर खात रहे अभी तक। अब आज से एक महीना 1.5 महीना हो गया तो कुछ नहीं मिला हम लोग। क्या चाहती हैं आप? हम जो चाहते हैं कि हम गल्ला पानी मिले तो गुजारा बच्चे को चले। 5-6 जने परिवार में है, कहाँ खाएंगे? अभी पंचायत में किसी अधिकारी से बात हुई है आपकी? हाँ, सेक्रेटरी कह रहे आपकी बनने ही नहीं है। पैची कौन है आपके यहाँ सेक्रेटरी? यहाँ एक ब्राह्मण है। क्या बोलते? वे कहते पैची यहाँ से नहीं बनने, आपकी बाहर से बनेगी। आपके बाहर जमीन है? कोई जमीन नहीं है सर हमारे पास। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? हम हथनारी के रहने वाले हैं। का नाम? पूरा नादवासी। क्या समस्या है आपको? ये समस्या है कि हम लोगों को गल्ला मिल नहीं रहा, परमिट बन चुके हैं। हमारी गहरवार पंचायत से जो भी है हमको कोई मदद नहीं मिल रही, मतलब कि गरीब आदमियों को कुछ नहीं मिल रहा है। भूखन प्यासन मर रहे हैं, मतलब यहाँ पर गल्ला जो फ्री का बांटा जा रहा है वो नहीं दिया जा रहा है। परमिटों हाथों में है हम लोगों के, परमिट नहीं, मतलब कि उस परमिटों को नहीं दिया जा रहा गल्ला। बाकी आदमी परेशान है हमारे यहाँ। संबंध में किसी अधिकारी से बात हुई है आपकी? हमारी हुई, सेक्रेटरी साहब से हुई थी। क्या आश्वासन दिया? हमने ये बोली थी कि साहब जब फ्री का गल्ला बांटा जा रहा है तो सबको बांटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि गरीब बड़े आदमी बोरा भर भर के ले के जा रहे हैं और हम लोगों को बिल्कुल राशन पानी नहीं मिल रहा है। कितने लोग होंगे ऐसे? हमारे कम से कम तो 250 आदमी हैं, 250 परमट है। क्या चाहते हैं आप? अब हम लोग गल्ला चाहते हैं कि खाने के लिए मिले, रोजगार सब बंद है हम लोगों की, कोई मजदूरी हम लोगों को मिल नहीं रही है। ये कोई प्रशासनिक अधिकारी आया कभी गांव में आपके? गांव में आते हैं साहब, चले जाते हैं, कोई मतलब हमारे गांव के लिए कोई समस्या, सब गड़बड़ है। ना रहने के लिए मकान मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। क्या नाम है, कहाँ के रहिए? राजेश यादव। ये सोसाइटी में लोगों को जमावड़ा हुआ है, क्या कैसा मामला है? उनका जो राशन कार्ड है उनकी पर्ची नहीं बनी हुई है, तो इसलिए वो यहाँ आए हैं कि हमको राशन दें, तो उनकी पास पर्ची अर्ची कुछ नहीं है। तो हमने उनको समझाया कि भैया आप लोग की पर्ची जब बन जाएंगी तो आप लोगों को राशन दे दिया जाएगा। वास्तव में कुछ लोग गरीब भी हैं, तो उनको भी समझाया है कि भैया आप लोग रुक जाइए थोड़ा और, तो आप लोगों का हम भी साथ में सहयोग करेंगे, ऐसा हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। अभी जो निराश्रित लोगों की जो चयनित किए गए थे पंचायत, उनमें से कितने लोग अभी आपके यहाँ, जिन कितने लोगों का राशन आया? अपने यहाँ 780 लोगों का राशन आता है। जो नहीं, अभी जो कोरोना टाइम 51 आदमियों का राशन आया था उन लोगों का अतिरिक्त में। जी जी, तो उनको मिल गया राशन? जी, उनको विधवा वाली जो औरतें थी उन लोगों को सबको राशन दे दिया गया है, और जो और भी थी उनको भी, विधवा थी उनको भी दे दिया गया है। अब क्या समस्या जा रही है लोगों को? समस्या ये है कि कुछ गरीब लोग हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना परमट ना पर्ची। अब वे लोग कह रहे हैं कि मुझे राशन दें। इसमें आप किसकी गलती मानते हैं, क्या किसका? अब इस सेक्रेटरी कहाँ का मामला है, कौन किसको? अब इस सेक्रेटरी के पास जाएं तो वहाँ अपना पूरी समस्या बताएं, तो वो इनका निराकरण कहेंगे। अब सेक्रेटरी
क्या सचिव लोग पंचायत में नहीं आते क्या? अभी तो मुझे पता नहीं है, हम अपनी सोसाइटी में आते हैं। सोसाइटी में आते हैं कोई सचिव? हाँ सोसाइटी में आते हैं, रोज नहीं आते, दो तीन दिन में आते हैं। सर आज गहरवाल सोसाइटी पर कुछ लोग एकत्र हुए थे, क्या था क्या मामला है? ये गहरवाल की उपार्जन जो मंडी है, उपार्जन केंद्र है, यहाँ पर PDS का राशन बट रहा था। या कुछ व्यक्तियों को आपत्तियाँ थी कि उनका नाम जो है कार्ड, मतलब राशन कार्ड नहीं बना है या पंक्ति नहीं बनी है, तो इस संबंध में मैंने उनको समझाया है। इसके अलावा मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है, जैसे मैंने CEO साहब से बात की है या इस पंचायत के सचिव से बात की है, तहसीलदार साहब से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि इन सब का वो जांच कर लेंगे। हमने इन सबसे कहा कि वो एक लिस्ट बना के हमें दे दें तो हम सबकी जांच करवा लेंगे, और जो जो पात्र व्यक्ति होगा उसके साथ अन्याय नहीं होगा। और ये हमें उच्च अधिकारियों ने भी मतलब बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है। मौजूद पंचायत के कोई कर्मचारी मौजूद रहा इस पंचायत से? कोई नहीं आ पाया, सचिव साहब को मैंने बुलाया था तो आ नहीं पाया, अभी मैं उनसे जाके मिल लूँगा और बात करूँगा।